मेरी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं अपने काम से क्या कर सकता हूँ उस पर मेरी सफलता निर्भर करती है। दोस्तों, आज भारत को दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में जाना जाता है। भारत आज दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। दोस्तों, हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने प्रयासों से भारत में न्यूक्लियर पावर के रिसर्च की नींव रखी थी। होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम होमी जे भाभा के भी नाम से जानते हैं, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियों और भारत के परमाणु विकास में इनके योगदान की। इनके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में 2 प्रसिद्ध शोध संस्थानों की नींव रखी है। पहली है TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और दूसरी है AEET जिसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में शुरू से जानते हैं। दोस्तों, होमी जे भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार बहुत शिक्षित और धनी था। उनके पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा अंग्रेजों के जमाने के एक प्रसिद्ध लॉयर थे। उनकी शुरुआती शिक्षा बॉम्बे के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई। फिर वो एल्फिनस्टोन कॉलेज में पढ़े और उसके बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लिए। पढ़ाई के अलावा उन्हें पेंटिंग और म्यूजिक का भी बहुत शौक था। उनके पिता और उनके रिश्तेदार दोराबजी टाटा, जो उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे, दोनों लोग मिलकर उनके ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का दबाव बनाने लगे, जिससे कि वो वापस आकर टाटा स्टील में काम कर सके। दोस्तों, कैम्ब्रिज में जाने को उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कई नए आविष्कारों का केंद्र बन चुकी थी। वहीं पर शोध कर रहे पॉल डिराक से वो काफी प्रभावित हुए थे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पॉल डिराक ने पहली बार एंटी मैटर के होने की संभावना जताई थी। उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्हीं के काम से प्रभावित होकर होमी जे भाभा को भी न्यूक्लियर रिसर्च में इंटरेस्ट आने लगा। 1933 में एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट मिल गई। इस पेपर के कारण वो इसैक न्यूटन स्टूडेंटशिप जीत गए। इसके बाद कई सारे रिसर्च ने एक साइंटिस्ट के रूप में उनकी पहचान बना दी। कैम्ब्रिज में वो रिसर्च के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि लेते थे। 1939 में वो छुट्टी पे भारत वापस आए। उसी समय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया और उन्होंने इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करने का फैसला कर लिया, जिसके हेड उस समय के प्रसिद्ध साइंटिस्ट CV रमन जी थे। उन्हें दोराबजी टाटा ट्रस्ट से रिसर्च के लिए फंडिंग मिली, जिससे उन्होंने एक कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट बनाया। वहीं पर काम करते समय उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि भारत में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च की जा सके। वो ये समझ गए थे कि भारत में भी कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम करने की वजह से कोई बड़ा आविष्कार नहीं हो पा रहा है। अगर कोई एक ऐसी जगह हो जहां सभी वैज्ञानिक एक साथ काम कर सकें और वहां काम करने की सारी सुविधाएं मौजूद हों, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में भारत बहुत आगे जा सकता है। यही बातें उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लिखी और उनसे एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की। उनका ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया। 1945 में उन्होंने बॉम्बे में TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। बाद में जब उन्हें लगा कि TIFR में पूरी तरह से एटॉमिक रिसर्च नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने गवर्नमेंट से एक नई लेबोरेटरी बनाने की रिक्वेस्ट की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसके लिए 1200 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई। और 1954 में AEET यानी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में काम शुरू हो गया। उनका दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिकों से परिचय था, जिन्हें वो इंडिया में बुलाते थे और इंडियन साइंटिस्ट से मिलवाते थे, जिससे कि उन्हें कुछ सीखने को मिले और प्रोत्साहन मिले। उन्होंने परमाणु हथियारों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। भारत की आजादी के बाद 1948 में नेहरू जी ने उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का डायरेक्टर बना दिया
और देश के लिए परमाणु हथियार विकसित करने की जिम्मेदारी उन्हें ऑफिशियली सौंपी। उनके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण शोध भाभा स्कैटरिंग आज पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने उस समय के एक और प्रसिद्ध साइंटिस्ट विक्रम साराभाई को स्पेस रिसर्च के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बनाने में बहुत सहयोग दिया था। 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को एक विदेशी एजेंसी की साजिश भी कहा जाता है, जिससे कि भारत में बढ़ते परमाणु शोध को रोका जा सके। उनकी मृत्यु के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद घंटी जरूर दबाएं। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।